आज मैं ब्रिंजल ग्रेवी बनाती हूँ। इसको यन्नई कत्रिकाय कोलंबू भी कहते हैं। ये बहुत ही डिफरेंट टेस्ट होगा, इसको आसान से बना सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप तमाम भी खैरत से होंगे। अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो फौरन रेड कलर के सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करें, बेल आइकन को हिट करें, ऑल के बेल को भी हिट करें। मेरी हर आने वाली न्यू रेसिपी की नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में आप तक पहुंच जाएगी। अब मैं बैंगन की ग्रेवी बनाने के लिए पैन में ऑयल 1 टेबल स्पून और 1 बिग ऑनियन चॉप्ड ऐड करके इसको हम 30 सेकेंड भून लेते हैं। हमारा आनियन का कलर चेंज हो गया। अब हम इसमें ऐड करते हैं कड़ी पत्ता, इसको भी हम मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें ऐड करते हैं ज़ीरा 1/2 टेबल स्पून और काली मिर्च 1/2 टेबल स्पून, इसको भी हम तेल में भून लेते हैं। इसमें ऐड करते हैं रेड चिली पाउडर 1/2 टेबल स्पून और साल्ट हसबे ज़रूरत, इसको भी हम अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें ऐड करते हैं 1 टेबल स्पून कोकोनट का पेस्ट, कोकोनट पेस्ट को भी हम अच्छी तरह भून लेते हैं। अच्छी तरह हम भून लिए। अब हम इसको मिक्सर में डालकर फाइन पेस्ट कर लेते हैं। फाइन पेस्ट कर लिए। हम बैंगन को इस तरह कट करके रखे हैं। जो मसाला जो पेस्ट बनाए थे इसमें हम फिल करते हैं। मसाला को अच्छी तरह हम बैंगन के अंदर तक फिल कर लेते हैं। इसी तरह तमाम बैंगन को हम फिल कर लिए। इस तरह से फिल करना चाहिए। अब हम 1/2 कप इमली का जूस लिए हैं। इसमें ऐड करते हैं रेड चिली 1 टेबल स्पून और सांभर पाउडर 2 टेबल स्पून। हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून और हसबे ज़रूरत नमक। इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। जो रिमाइनिंग मसाला हम पेस्ट बनाए थे वो भी इसमें ऐड करके मिक्स कर लेते हैं। अच्छी तरह मिक्स कर लिए। अब हम पैन में 2 टेबल स्पून ऑयल डालती हूँ।
ऑयल गरम होने के बाद इसमें जो फिल किए थे मसाला, उस बैंगन को डालकर हम 5 मिनट तक अच्छी तरह इसको फ्राई कर लेते हैं। मीडियम लो फ्लेम पर रखकर हम बैंगन को फ्राई करेंगे। हमारा बैंगन फ्राई हो गया। अब हम इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। इसी कढ़ाई में एक बिग ऑनियन चॉप्ड ऐड करती हूँ। ऑयल में 10 सेकेंड इसको हम भून लेते हैं। इसमें ऐड करती हूँ मस्टर्ड राया 1 टीस्पून और ऐड करती हूँ फिनोग्रीक सीड, मेहती 1/4 टीस्पून ऐड करके इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। इसमें ऐड करती हूँ कड़ी पत्ता, अब हम इसमें ऐड करती हूँ 2 बिग चॉप्ड टमाटर। टमाटर ऐड करके अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। हमारा टमाटर नरम होने तक इसको हम ऑयल में फ्राई करेंगे। अब हम इसमें ऐड करते हैं हस्बे ज़रूरत नमक और इसमें ऐड करते हैं लहसुन 7 ऐड करके मिक्स कर लेते हैं। अब हम जो बैंगन फ्राई करके रखे थे इसमें ऐड करते हैं, ऐड करके इसको भी हम इस मसाले में मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें ऐड करते हैं जो हम मसाला ऐड करके रखे थे वो इसमें ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद इन तमाम को अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। बैंगन ग्रेवी पक रहा है। अब हम इसको ढककर 5 मिनट के लिए मीडियम लो फ्लेम पर छोड़ देते हैं। 5 मिनट हो गया, हमारा ग्रेवी तैयार हो गया। अब हम इस बैंगन का ग्रेवी को सर्व करते हैं वाइट राइस के साथ। और इसका साइड डिश है पालक, आलू है और पापड़। अब हम बैंगन ग्रेवी को वाइट राइस में डालते हैं और सर्व करते हैं। आज का रेसिपी आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें, कमेंट करें। इंशाल्लाह एक न्यू रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।